सो हे गाइस, तो क्या हाल चाल। एंड गाइज, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो एडिटिंग गाइज बहुत हार्ड हुआ है, जो कि आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं कितना हार्ड फेस स्मूथ हुआ है और बैकग्राउंड कितना हार्ड सी भी बना है, जो कि आप लोग तो जानते हैं कि ऐसा फोटो एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फेस आप लोग चेकआउट करिए सकते हैं कितना ज़्यादा एच डी बनाया गया है। कितना भी मैं जूम करूँगा बिल्कुल इसका क्वालिटी फटेगा नहीं। मैं कैसे क्या करता हूँ हर एक चीज़ आपको बताऊँगा इस वाले वीडियो में। और गाइजर मैं देखिए इंस्टाग्राम खोला हूँ और एक के भाई का भी फोटो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा फुल एच डी ये भी फोटो बनाते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी फोटो चेकआउट कर सकते हैं कितना हार्ड बनाया, उसके बाद ये भी फोटो आप लोग देख सकते हैं। और गाइज इसके साथ ही मैं एक और भाई का आईडी खोलता हूँ, इनका आईडी, जो कि इनका भी आईडी आप लोग चेक कर सकते हैं। गाइज इनका भी फोटो जो होता है बहुत हार्ड लगता है, कैसे ये लोग क्या चीज़ करते हैं हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा इस वाले वीडियो में। जो कि देखिए इस वाले वीडियो में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, उसके बाद आप लोग भी गारंटी के साथ ऐसा सेम फोटो एडिटिंग करना आप लोग को आ जाएगा। बस आपको कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा, प्रीसेट कैसे क्या किया जाता है। आप लोग को मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, प्रीसेट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपके फोटो पे अच्छा से प्रीसेट वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं वर्क करता है हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। जो कि आप लोग पहले का फोटो देख लीजिए कितना बेकार था और क्वालिटी फोटो में बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसी फोटो को मैं एडिट किया हूँ और कितना हार्ड एडिट हुआ है, जो कि आप लोग चेकआउट करिए सकते हैं। और शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह हर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कितना हार्ड मैं बनाया हूँ। चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को सेम ऐसा एडिटिंग करना सिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, अपना फोटो ले लेना, जो भी आप लोगों को फोटो बनाना होगा उस वाले फोटो को आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना, इसको डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं क्लिक कर दिया हूँ स्नैपसीड में। उसके बाद आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा मैं किस पे क्या क्लिक करूँगा। फिर आपको टूल्स पे आना है, डिटेल पे आना है, और यहाँ से क्या होता है आपका फोटो का जो क्वालिटी होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, बिफोर पहले ब्लर था लेकिन कितना हार्ड हो चुका है। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले फोटो को आपको ले चलना कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए आपको लाइट रूम में आने के बाद सिंपली आपको ऑल फोटो पे जाना। और गाइज मैं आपको दूंगा एक टू प्रीसेट, जो कि इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस पे आना है, थ्री डॉट पे कॉपी सेटिंग करके सही पे क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक आना है और गाइज आपको अपने फोटो पे चले जाना है। देखिए इस हर प्रीसेट का लिंक आपको मैं देता हूँ कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली अगर आप लोग को नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक जल्द वीडियो ला दूंगा। तो आपको थ्री डॉट पे आना है, पेस्ट पे क्लिक कर, देखिए वन क्लिक, और जो आपका फोटो होगा बहुत ज़्यादा बवाल वाला हो चुका है, जो कि आप लोग चेकआउट करें तभी इसका क्वालिटी और भी हाई होगा। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए क्वालिटी कितना हार्ड हो चुका है। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फोटो को आपको ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए गाइज मैं आपको सारा कुछ बारीकी से समझाऊंगा ताकि आप लोग सब कुछ समझ पाए और अपना फोटो ऐसा सेम फोटो एडिट कर पाए। तो देखिए स्नैपसीड में आने के बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको आना है हीलिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको फेस पर अगर दाग वगैरह होगा तो उसको इस तरह आप लोग हटा सकते हैं। देखिए अगर आप लोग पहले अपने दाग को हटा देंगे ना तो फोटो बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद आपको आना है सिलेक्टिव पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको अंधेरा पार्ट दिखाई दे वहाँ पर आप लोग को ब्राइटनेस को हाई कर देना है। देखिए मैं कैसे हाई कर रहा हूँ, इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद मैं फेस पर और भी अच्छे प्रकार से लाइट को देता हूँ ताकि फोटो देखने में अच्छा लगे। इतना काम हो गया। उसके बाद आपको देखिए फेस पर ये इफेक्ट आया है, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इस प्रकार से इसको हटा दूँ। देखिए ऐसे इसको ब्राइटनेस को लो करूँ। देखिए इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फोटो को डायरेक्ट ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए आपको पिक्स आर्ट में आने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको इफेक्ट पर आ जाना है। उसके बाद कलर पे जाना है, कलर रिप्लेस पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे इस प्रकार से मार्क लगा देना, और यहाँ से गाइज आप लोग जो कलर चाहे वो कलर कर सकते हैं, बट मैं आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। मैं तो रखूँगा इस वाले कलर को, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू कलर। फिर इतना सारा काम होने के बाद आपको अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए गाइज आप लोग सारा कुछ ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हो चुका है, अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, और ब्लर करने के बाद आपको बैकग्राउंड को सीवी एडिट करना है, जो कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ। फिर आपको इसमें आने के बाद कुछ लोडिंग वगैरह लेगा, तो उसके बाद आप लोग को ब्लर वाले आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज आप लोग सारा कुछ ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग सब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे आना है, और बैकग्राउंड के बाद आपको ब्लर पे आना है, फिर आपको सेकंड नंबर पे जाना है। और गाइज आप लोग इस वाले ब्लर को क्या करना है, ज़्यादा मत रखिएगा, आपको कम से कम, देखिए इसको बता रहा हूँ, आप लोग को 20 के आसपास में रखना है। मैं इसको करता हूँ कितना पे,
चलिए मैं इस सबसे लास्ट वाला डिस्क वाले ब्लर को लेता हूँ और इसको आप लोगों को देखिए कितना रखना है। देखिए जितना बता रहा हूँ आपको 72 रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फ़ोटो को आपको ले चलना कहाँ पे, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। चलिए मैं पहले वाले पेज वगैरह सब कुछ को हटा लेता हूँ, तब मैं ले चलता हूँ पिक्सआर्ट में। ऐसे क्या होगा कि पूरा चीज़ अच्छे से काम करेगा। तो पिक्सआर्ट में आपको आ जाना है। तो देखिए पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको आना है ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे क्यों आना है वो भी बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ बताऊँगा आपको। बिना ब्लर वाला फ़ोटो को लेना है, ऐड पे क्लिक करना है। फिर आपको पूरा इस तरह अच्छे से बैठा कर फिर आपको क्या करना है, इरेजर पे जाकर, या ऐसे क्या करना है इरेज पे जाकर आप लोग को देखिए इस प्रकार से पूरा बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर देना है। ऐसे क्या होता है गाइस, आप लोग जितना चाहे उतना बैकग्राउंड अपना ब्लर कर सकते हैं। कितना हार्ड चेक कर सकते हैं कितना हार्ड मैं ब्लर कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग को ब्लर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आइकन है फोटो रूम का, इसको आप लोग को हटाना है। इसको आप लोग इस तरह आराम से हटा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आना है इफेक्ट पे, फिर आपको आर्टिक्स पे जाना है, फेटल वन वाला आइकन आप लोग को ले लेना, और इधर से क्या होता है आपका जो बैकग्राउंड होता है पूरा हार्ड से भी होता है। फिर आप लोग मल्टीप्लाई लेना, इसको इतना करना है। फिर आप लोग को इरेजर पे जाकर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, देखिए वन क्लिक और आप लोग फोटो देखिए ऐसे कितना हार्ड हो चुका। उसके बाद आप लोग सही पे क्लिक करना और इधर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग जो ऑप्शन चाहे वो ऑप्शन आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। चलिए मैं इसी को अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आपको सही पे क्लिक करना, फिर आपको क्या करना है, मैं आपको दे दूंगा टेक्स्ट पीएनजी जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन दोनों को आपको टेक्स्ट पीएनजी को डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं दोनों पीएनजी को यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा पीएनजी रखा हूँ। तो देखिए दोनों पीएनजी को लेने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको इस वाले को क्या करना है, यहाँ से करना है स्क्रीन, और इसको छोटा करके आप लोग को इतना पे बैठा देना है। फिर आप लोग को इस वाले पीएनजी को लेना है, और इसको भी आप लोग को यहाँ से करना है स्क्रीन, और इसको आप लोग को इतना पे यहाँ पे बैठा देना है, और इसको आप लोग इतना ओपेसिटी कम कर दीजिएगा। तो देखिए उसके बाद आप लोगों को फोटो को सही पे क्लिक कर देगा। कितना हार्ड मेरा हर एक चीज़ बन चुका है, कितना हार्ड बैकग्राउंड और फेस वगैरह हर एक चीज़ देख सकते हैं। बट इसमें क्या चीज़ है, अभी क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, इस फोटो को ले चलना आपको कहाँ पे, रेमनी एप्लीकेशन के अंदर। और आप लोग तो जानते हैं गाइस रेमनी से क्या होता है, फोटो आपका फुल एचडी होता है। चलिए आज मैं आप लोगों को सही तरीका बताने वाला हूँ रेमनी यूज करने का, जो कि मैं जानता हूँ कि आपको रेमनी यूज करना आता है लेकिन इसमें बहुत सारा सेटिंग होता है वो आपको नहीं पता है, मैं जानता हूँ 100% मैं बोल सकता हूँ। फिर आपको अपना फोटो लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से एनएच पे क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद अभी एक ऐड आएगा, तो मैं चलिए इसको इंतजार कर लेता हूँ। तो देखिए अभी एक ऐड चल रहा है, मैं सिंपली क्या करता हूँ इसको स्किप करता हूँ क्योंकि ऐड क्या होता है 30 सेकंड का होता है। चलिए मैं फटाक से इसको देख लेता हूँ। तो देखिए मेरा ऐड चल चुका है, उसके बाद आपको कट वाले पे क्लिक करना है। और गाइस इसके बाद देखिए कितना सारा ऑप्शन आने वाला है, मैं आपको सारा कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। तो देखिए सिंपली मैं एक बार और कट करता हूँ, उसके बाद देखिए आप लोगों के सामने हर चीज़ होगा। देख सकते हैं आप लोग नीचे यहाँ पे 5 ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड जो ब्लर होता है उसको ख़त्म करना होता है, यानी कि इसको ऑफ करना होता है। देखिए मैं इसको ओपन किया हूँ और कुछ समय लगता है। उसके बाद आप लोग को इस वाले आइकन को डिसेबल करना है, फिर आपको आना है कलर पे, और इसको भी आप लोग कुछ सेकंड वेट करना है, और इसको भी आप लोग को डिसेबल कर देना। देखिए दो ऑप्शन को आप लोग को डिसेबल करना है, उसके बाद ये सारा ऑप्शन आपको ऑन रहने देना है। और गाइज आप लोग फोटो चेकआउट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड हो चुका है। तो देखिए आप लोग को भी फोटो एचडी के बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोग को सेव करना है, जो कि आप लोग तो जानते हैं गाइस सेव करने के बाद क्या होता है, एक और ऐड आता है। चलिएगा तो मैं इस फोटो को सेव करता हूँ और डायरेक्ट इसको ले चलता हूँ कहाँ पे, स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिएगा मैं आ चुका हूँ स्क्रेच बुक में, और आप लोग फोटो का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रश पे आना है, और गाइज आपको एक स्पेशल ब्रश लेना है जो कि एरा ब्रश। और गाइज इसके सेटिंग को देखिए, तो सेटिंग को आपको रखना है इसको 4 और नीचे वाले को आपको 12 रखना है। उसके बाद देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ स्मूथ करने का, इससे क्या होता है इस वाले सेटिंग से आपका स्मूथ बहुत फास्ट होता है। अगर आप लोग इसको 4 रखेंगे ना बहुत फास्ट आपका स्मूथ होगा, देख सकते हैं मैं जैसे किया ऊपर का पार्ट स्मूथ हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सिंपली साइज को छोटा करूंगा और इस वाले पार्ट को आपको स्मूथ करना है इस प्रकार से। देखिएगा मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ किया जाता है, तो ऐसे ही आपको करना है। फिर अब मैं क्या करता हूँ इसको भी करता हूँ स्मूथ देखिए इस प्रकार से। देखिएगा मैं आप लोग को हर एक सच्चाई बता रहा हूँ कैसे लोग क्या करते हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं आप लोग को चूतिया यानी कि उधर से इधर बताते हैं, बट गाइज आपका भाई आप लोग को सारा सच्चाई बताता है। देखिएगा खुल के कोई भी आप लोग को इतना चीज़ नहीं सिखाता जितना कि आपका भाई सिखाता है। फिर आपको क्या करना है, इस साइड का जो पार्ट है उसको भी स्मूथ करना है। तो देखिए इस साइड का भी स्मूथ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, साइज को पूरा छोटा करके आपको हल्का फुल्का अपने नाक को भी स्मूथ कर देना, देखिए कितना मस्त।
देख सकते हैं कितना मस्त ए बी स्मूथ हो गया कैसे, कितना हार्ड। तो ऐसे ही आपको स्मूथ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको भी आप लोग को स्मूथ कर देना। देखिएगा कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है। जैसा मैं अपना फोटो स्मूथ करता हूँ सेम वैसा ही ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ। तनी से भी अलग नहीं बता रहा हूँ गाइस, तनी से भी फेक नहीं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही आप लोग को फेस को स्मूथ करना है। तो देखिए मेरा हर एक चीज़ स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आप लोग को इस पे आना है, प्लस पे जाना है, फिर आप लोग को इस ब्रश पे जाकर और ऊपर जाना है, और आपको एक ब्रश मिलेगा इस वाले ब्रश को आप लोग को ले लेना है। फिर आपको कलर पे जाना है और इधर की इसको क्या करना है, आपको रेड कर लेना है। फिर गाइस यार आपको क्या करना, देखिए आप लोग दोनों ओठ को नहीं, बस नीचे वाले ओठ को आपको लाल करना है। अगर आप लोग ऊपर वाले ओठ को भी लाल कर देंगे तो फोटो आपका खराब लग सकता है, इसलिए आप लोग ऊपर वाले को लाल मत करिएगा, बस नीचे को लाल करिएगा और ओपेसिटी को आप लोग को डाउन कर देना। इतना पर देखिएगा कितना हार्ड मेरा फोटो लग रहा है, इतना काम करना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो इसको और भी लो करता हूँ, इसको इतना करता हूँ। फिर आपको मर्ज ऑल पे क्लिक करना। देखिए इतना काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए आपको पिक्स आर्ट में क्या करना, आपको लगाना आई लेंस, जो कि आप लोग तो जानते हैं गाइस आई लेंस के चलते आपका फोटो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। सिंपली आपको आई लेंस पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह आँख में लेंस को बैठा कर, दोनों अच्छे से बैठा लेता हूँ, फिर आपको ओपेसिटी को हाई कर देंगे, इसको भी हाई कर देंगे। फिर आपको इरेजर पे जाकर क्या करना, जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप लोग को इरेज कर देना। देखिए इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं गाइज, इसी प्रकार से आप लोग को इसको इरेजर और नीचे को भी इरेज कर देना। फिर आपको क्या करना, सही पे क्लिक कर देना है। देखिए गाइज इतना सारा काम होने के बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए आपको स्नैपशीट में आने के बाद क्या करना, पोर्ट्रेट पे आ जाना। और गाइस सबसे मेन चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना, इसको आप लोगों को कम से कम प्लस 10 यानी कि आपको प्लस 10 के पास में रखना है, और आई क्लैरिटी को आप लोगों को ज़्यादा करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो आँख होता है पूरा HD हो जाता है। एंड इतना काम के बाद आपको इस वाले फोटो को डायरेक्ट लास्ट स्टेप यानी कि लाइट रूम में ले चलना है। तो देख सकते हैं मैं लाइट रूम में आ चुका हूँ। और गाइज हमको क्या करना है, फोटो एडिटिंग इस कलर में करना है। तो उसके लिए आपको अपने फोटो को ओपन करना है, और गाइज इस वाले सेटिंग को आपको ध्यान से रखना है। सबसे पहले आपको कलर पे आना है, मिक्स पे जाना है, और इस कलर पे जाकर आप लोग को इसको हाई करना है, इसको भी हाई करना है। देख कितना हार्ड हो गया। फिर आप लोग को एक नंबर पे आना है, इसको हाई करना है, इसको भी आप लोग यहाँ से तनी सा लो कर सकते हैं। एंड गाइज इतना सारा काम के बाद आपको एक चीज़ और करना है, आपको यहाँ से वाइब्रेंस को लो कर यानी कि हाई करना है, यानी कि उसका टेम्परेचर को लो करना है, और यहाँ से क्लैरिटी को भी हाई कर सकते हैं। और गाइज फिर आप लोग विग्नेट को तनी सा लो करना है, एंड यहाँ से आप लोग को एक और सेटिंग कर देना है। और गाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, कितना हार्ड आपका फोटो बन चुका है। और गाइज क्वालिटी की बात करें तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ क्वालिटी भी कितना हार्ड हो चुका है। यहाँ से आप लोग अपने क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। प्लीज़ यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। तो अगर आप लोग किसी भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ।